अगर आप प्लान कर रहे हैं थाईलैंड की ट्रिप, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रायोर पता होनी चाहिए और आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपके इस ट्रिप में, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी, आई एम अ फुल टाइम ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया और अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन के ट्रिप के लिए थाईलैंड गई थी। वैसे मैं सिर्फ एक कंट्री नहीं गई थी, मैं तीन कंट्री घूमकर आई हूँ, अभी सोलो ट्रिप करके आई हूँ। तो या आपको इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ थाईलैंड एंटर करने के लिए मुझे कैसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और मेरा जो इमिग्रेशन है एंड एवरीथिंग वो सो स्मूथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो सब कुछ मैं आपको ना इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिएगा इस वीडियो को आखिर तक एंड शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीजा से। अब लोगों को लगता है थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है, विच इज ट्रू, बट ये पार्शियली ट्रू है क्योंकि थाईलैंड में जून से जो है उन्होंने थाई पास कंपल्सरी कर दिया है। अब ये थाई पास क्या है, तो थाई पास लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, लाइक 5 से 7 मिनट का काम है और फटैक से आपके ईमेल में वो आ भी जाता है जैसे ही आप उसके लिए अप्लाई करते हो। तो वो प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके की स्क्रीन है, कहाँ जाके आपको क्लिक करके थाई पास लेना है। मुझे लगता है अगर आप अपनी ट्रिप से एक हफ्ता पहले करके रख लो अपने पास तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये थाई पास जो है उसमें एक QR कोड है, वो QR कोड जो है ना वो स्कैन करते हैं जब आप एंटर करते हो, जैसे ही वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर एयरक्राफ्ट और जैसे ही आप अपने बैगेज के लिए आगे बढ़ते हो इमिग्रेशन से पहले वहां पर एक अलग से टीम बैठी हुई है जो आपका थाई पास चेक करते हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट इन थाईलैंड आफ्टर कोविड। तो जब तक कोविड था मार्केट में तब तक जो है डेफिनेटली आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ता था, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट थी। अब ये थाई पास जो है वो थाईलैंड गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, एक तो हो गई ये थाई पास की बात। सेकेंड चीज जो आपको लगती है वो है आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, आपके 2 डोज वैक्सीनेशन के कंप्लीट होने चाहिए और अब तो बूस्टर शॉट भी लगवाना शुरू कर दिया है सबने, मैं भी लगवाने जाऊंगी। हाँ जी, वो ठीक है, वो हम अपनी अपनी कंट्री में डेफिनेटली करा लेंगे। नंबर 2 इज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है। आपको कई बार होटल चेक इन के टाइम पर भी लोग पूछ लेते हैं, हॉस्टल पे मैंने स्टे किया था तो वहां पे मुझे एक हॉस्टल में किसी ने पूछा था एंड नेक्स्ट दूसरे दिन भी मैं हॉस्टल्स में रुकी वहां उन्होंने नहीं पूछा। तो इट डिपेंड्स, बट आपके पास होना चाहिए क्योंकि व्हेन यू आर एंटरिंग थाईलैंड आपको वो भी पूछा जाएगा। नंबर 3, आपके पास कुछ करेंसी होनी चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट में निकालोगे एक्सचेंज करवाओगे तो डेफिनेटली आपको हाई चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि मुझे लगता है नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आप अपनी कंट्री से ही जो है थोड़े से करेंसी एक्सचेंज करा के ले आओ, बेटर प्लेस जहां पर आप जानते हो किसी लोकल को वहां से आप करवा के ले आओ, दैट्स बेटर, क्योंकि आपको 2,000 रुपए जो है वो थाई बात आपको देने पड़ेंगे वीजा ऑन अराइवल के लिए। वो है फीस, फिक्स्ड फीस है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। मुझसे पता नहीं क्यों उस दिन उन्होंने 2,200 लिए, तो कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो एकदम एग्जैक्ट अमाउंट लेके मत चलो। थोड़े से 4,000-5,000 रुपए करेंसी अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो इतना आपके पास जरूर होना चाहिए। नंबर 4, आपके पहले रात की होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए जो कि वो बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। किड यू नॉट, मेरी मेल में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि मैंने सारी चीजों की ना सॉफ्ट कॉपी रखी थी अपने फोन में और मैंने हार्ड कॉपी भी लेकर गई थी ऑन अ सेफर नोट, पर कहीं पर भी मुझे हार्ड कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ आप पेपर सेव करना चाहते हैं एनवायरमेंट के लिए ऑब्वियसली अच्छा है, मुझे पता होता तो मैं भी इतनी सारी कॉपीज नहीं निकालती, बट मैं थोड़ा सा, ये थी पहली बार सोलो ट्रिप इंटरनेशनल जा रही हूं और कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एयरपोर्ट में, फिर मैं कहां पर प्रिंट आउट निकालूंगी, तो मैंने निकाल लिया। बट हर जगह जो है मुझे सॉफ्ट कॉपी से ही मेरा काम हो गया, किसी ने मुझे हार्ड कॉपी के लिए नहीं बोला। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मत करो, अगर आपको सेफ्टी के लिए अपने खुद के संतुष्टि के लिए आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, बट अगर आप श्योर हो कि हाँ चलेगा कोई बात नहीं मैं वहां पे मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी, तब तो वेल एंड गुड है, मत निकालो, पेपर वेस्ट मत करो। नंबर 4, आपके पास रिटर्न फ्लाइट की टिकट भी होनी चाहिए, वो भी वो चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक कंट्री सिर्फ विजिट नहीं कर रही थी, मैं थाईलैंड से फिर कंबोडिया जा रही थी, कंबोडिया से सिंगापुर जा रही थी और सिंगापुर से मेरी रिटर्न दिल्ली की फ्लाइट है, जिसके लिए उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है कि आप सिंगापुर से दिल्ली जा रहे हो,
आप दिल्ली कहाँ से जा रहे हो उनको कोई मतलब नहीं, आप उनकी कंट्री से कब बाहर जा रहे हो इससे उनको मतलब है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बैंकॉक से, आप थाईलैंड से कौन सी फ्लाइट लेके दूसरी कंट्री जा रहे हो, हमें वो दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाई मेरी बैंकॉक से सियाम रिप की फ्लाइट, जो कि मेरी कंबोडिया की थी ऑब्वियसली, मैंने उनको वो दिखाई, उस आपकी रिटर्न फ्लाइट और आपकी होटल की बुकिंग, विच दे चेक वेरी 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 केयरफुली। तो ओके जी, तो ये तो हो गए आपके 4 से 5 डॉक्यूमेंट की बात जो कि आपके पास होना चाहिए, और ऑब्वियसली पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीजें जो आपके पास होनी चाहिए टू एंटर थाईलैंड। अब मैं आपको कुछ वो पॉइंटर्स बताना चाहती हूँ जो मैंने फेस किया, और मुझे लगता है वो करके आपकी भी फ्लाइट जो है फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड विल बी easier। तो सबसे पहली चीज, मैंने अपनी फ्लाइट जो है वो बुक की थी थाई एयरवेज की, जो कि रात को कुछ 3-3:30 बजे की होती है दिल्ली से, और वो होती है बैंकॉक तक की। तो रात की फ्लाइट है तो डेफिनेटली आप एयरपोर्ट थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हो, 10-11 बजे आप पहुंच जाते हो, आराम से खा पी लो बढ़िया से, और उसके बाद फिर लाउंज, अगर आपके पास लाउंज का एक्सेस है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको लाउंज एक्सेस देता है, तो आप लाउंज में जाके आराम से खाना पीना खा के अपनी फ्लाइट में आप आराम से सो सकते हो, सो दैट की 3-4 घंटे की जो भी आपकी फ्लाइट है वो आराम से आप सो के आओ, और जब आप लैंड करो बैंकॉक में तो आप फ्रेशली उठो और उसके बाद जाके आप आराम से अपने होटल में, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। कई बार इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, कई बार फटाफट से इमिग्रेशन भी हो जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट है तो इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, मान लो आप 1/2 से 1 घंटे के बीच का पूरा प्रोसेस होता है। वंस यू टेक ऑफ फ्रॉम योर एयरक्राफ्ट, आपको वहां से लेके आपके बैगेज क्लेम तक मान लो 1 घंटा आपको लगता ही है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 सिम के बारे में। तो एयरपोर्ट में तो आप वाईफाई यूज कर सकते हो, जो कि मैंने किया, बट मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, एज आई टोल्ड यू कि मैं पहली बार इंटरनेशनल सोलो ट्रिप कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, आप कह सकते हो थोड़ी सी नर्वस थी। तो मैंने उस नर्वसनेस में ना क्या किया, एयरपोर्ट से ही सिम ले लिया, जो कि मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा, जरूर थोड़ा सा महंगा पड़ा। अब वो मुझे पड़ा कुछ 300 थाई बात का, और वही चीज आपको एयरपोर्ट से बाहर जो है वो 150 थाई बात में मिल जाती है, विच इज ग्रेट, लाइक हाफ द अमाउंट। तो टैक्सी या फिर मेट्रो से जाना है, मेट्रो इज ऑल्सो वन ऑफ द इजिएस्ट वे, इजिएस्ट कम्यूट टू ट्रेवल अराउंड था लाइक बैंकॉक में, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, मेट्रो सबसे ईजी है। मुझे पहले दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही थी, एज आई टोल्ड यू मैं थोड़ी नर्वस थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट एयरपोर्ट में ही सबसे नीचे, पार्किंग से भी नीचे वाले लेवल में देर इज सबवे, जहां पर आप जाओगे और आपको 30-40 बात में जो है जिस भी डेस्टिनेशन में जाना है उसकी टिकट मिल जाती है। बस आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है गूगल में कि यहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना है, आपको कोई चेंज करना है क्या मेट्रो बीच में। वैसे एक बात बताऊं तो जब आप टिकट लोगे वहां पर, जो टिकट काउंटर में जो भी अटेंडेंट बैठे होते हैं वो इतने स्वीट होते हैं कि आपको पूरा ऐसे पेपर पेन में लिख के बता देंगे कि यहां से आप यहां उतरना, यहां से फिर आप दूसरी मेट्रो लेना, विच इज क्रेजी यार। आप उनसे अच्छे से बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, आपको पैसे बचाने हैं, तो मैं तो आपको हाईली बोलूंगी, मैंने भी पूरा का पूरा बैंकॉक जो है वो मेट्रो में ही फिर बाद में एक्सप्लोर किया और बहुत पैसे बचाए। मैंने पहले दिन थोड़े से पैसे मेरे चले गए थे टैक्सी में, क्योंकि मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार मेट्रो कहाँ से मिलेगी और मेरा इतना सारा सामान लेके मैं कैसे जाऊँ और वो सारी चीज़ें। तो मैंने पहले तो गलती की, 300 थाई बात का मैंने अपना सिम कार्ड लिया एयरपोर्ट से ही, दैट वाज मिस्टेक, क्योंकि आप उसको बाहर से ले सकते हो आपके होटल या हॉस्टल के आसपास। 7-Eleven पूरे थाईलैंड में है यार, और 7-Eleven में आपको 150 थाई बात में सिम मिल जाता है अनलिमिटेड डेटा के साथ। तो ये गलती मत करना कि आप एयरपोर्ट से सिम मत लेना। दूसरी गलती ये मत करना, एयरपोर्ट से टैक्सी बुक मत करना, पहले से डाउनलोड कर लो ग्रैब ऐप। मैंने भी ग्रैब ऐप डाउनलोड कर रखा था, पर पता नहीं क्यों समहाउ मैं पहली बार उसमें बुकिंग कर रही थी तो वो लोकेशन सही नहीं ले रहा था, और उस लोकेशन के चक्कर पे मैंने वहां पर किसी टैक्सी वेंडर से बात की, और दो उसने मुझे जितना रेट मुझे दूसरे टैक्सी वाले दे रहे थे एयरपोर्ट में, उन्होंने एज कम्पेयर टू दैट मुझे कम में दिया, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा कम लिया मुझसे, कुछ 500 थाई बात में उन्होंने मुझे मेरे हॉस्टल ड्रॉप कर दिया, विच वॉज नॉट दैट बैड। बट हाँ, मैं यहाँ पर भी पैसे सेव कर सकती थी, जो कि मेरी गलती थी, आप इस गलती को मत दोहराना। बट ऑन द अदर नोट, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, आप 4-5 लोग हो, तब तो डेफिनेटली आपके लिए टैक्सी करना बनता है, क्योंकि सबको लेके आप सारे बैगेज डाल के आप मेट्रो में नहीं जाना प्रेफर करोगे ऑब्वियसली, तो दैट्स दैट। और अगर आप किसी होटल या रिजॉर्ट में रुक रहे हो तो आप उनसे जरूर कंफर्म करो, क्योंकि सारे होटल रिजॉर्ट जो बड़े होते हैं उनके एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप जो है वो फ्री होता है, तो डेफिनेटली यू शुड कॉल देम एंड आस्क देम कि इफ दे हैव
फ्री एयरपोर्ट ट्रांसफर, या तो आप उनको बुला सकते हो अपने एयरपोर्ट से पिकअप के लिए। हाँ जी, तो ये तो हो गई सारी रिक्वायरमेंट और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए टू एंटर वाइल एंटरिंग थाईलैंड। तो होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया था वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो रह जाता है आपको जानना है रिगार्डिंग थाईलैंड एंट्री, तो आप कमेंट सेक्शन पर डाल दो। आगे और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं कि मैंने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया, और क्योंकि मैं थाईलैंड जो है बीचेस नहीं गई इस बारी, क्योंकि एक बार मैं फुकेट और फीफी आइलैंड और ये सब कवर कर चुकी हूँ, तो मैंने इस बार कुछ डिफरेंट किया है, मैंने थाईलैंड बियॉन्ड बीचेस किया है हमने, तो मैं आपको थाईलैंड के पहाड़ों में घुमाने वाली हूँ। तो वेट फॉर दैट वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रिप्लाई देम। एंड या इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते।